हेलो दोस्तों, नैनाज राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नैनाज राजस्थानी रसोई में कढ़ी बनाने जा रहे हैं। ये कढ़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये रेसिपी जो है मैंने ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए डाली है। दोस्तों, ये मैंने छाछ ली है और ये बेसन लिया है, ये जीरा और राई ली है मैंने तड़के के लिए, ये मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये एक चम्मच लाल मिर्च है और ये आधा छोटा चम्मच करीब हल्दी पाउडर है, तेल है और ये नमक, और ये तड़के के लिए मैंने कुछ हरी मिर्च, दो हरी मिर्च को मैंने काट करके ले लिया है, कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और ये एक प्याज मैंने फाइन चॉप करके ले लिया है दोस्तों, और ये दो लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ली है। तो देखिए आप, ये कितने कम सामान है और इसी सामग्री में हम ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस छाछ के अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे दोस्तों और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। देखिए, अब हम धीरे धीरे करके एक एक मसाले इसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम ये हल्दी जो हमने आधा छोटा चम्मच लिया है वो ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये जो धनिया पाउडर लिया है हमने, ये भी मिक्स कर लेंगे इसी में। इस तरह से बनाने से क्या है दोस्तों, बहुत जल्दी से आपकी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और आपने जो ये छाछ ली है, अगर ये खट्टी होगी थोड़ी सी तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, हमारे जो मसाले हैं हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं, हम नमक इसमें थोड़ा बाद में डालेंगे। चलिए अब गैस ऑन करते हैं। पैन लेंगे, इसमें हम तेल डालेंगे, तेल गरम होने के बाद में हम इसमें ये राई और जीरा ऐड करेंगे। तेल गरम होने देंगे, चलिए दोस्तों हमारा तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले हम हींग ऐड करेंगे, अब ये जीरा और राई जो हमने लिया है वो ऐड करेंगे, राई को अच्छे से तड़कने देंगे। अगर राई अच्छे से तड़केगी नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वापन देती है, कड़वा टेस्ट आता है। तो दोस्तों, इसे हम अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसमें ये लाल मिर्च जो हमने ली है ये ऐड करेंगे, चलिए हरी मिर्च डाल देते हैं। ये कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं। हमारी हरी मिर्ची अच्छे से भुन चुकी है, अब हम ये प्याज ऐड कर देंगे इसमें। इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं और फिर जो हमने ये घोल बनाया है
ये इसमें कढ़ाई में हम डाल देंगे। हमने जो ये नमक लिया है दोस्तों, हम इस समय नमक ऐड कर देंगे। ये नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक इस समय ऐड करने से क्या होता है कि जो प्याज होते हैं वो थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। देखिए अपने प्याज ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो गए हैं। इसको लगभग एक मिनट और पकाएंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। चलिए अब हमने जो ये घोल बनाया है वो डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे दो तीन उबाल आने तक। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है और इसको पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी कढ़ी जो है वो लगभग रेडी है। चलिए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ी जो है रेडी है और इसे सर्व कर लिया हमने। और अगर आपके पास थोड़े से करी पत्ते हैं तो आप इस तरह से उसको काट करके इसको गार्निश कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा सूखा पुदीना है, उसको मैंने इस तरह से क्रश करके ले लिया है। इससे गार्निश करेंगे तो इससे खुशबू भी हमारे जो करी की है वो बढ़ जाएगी। और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है दिखने में। कई लोग इस पर तड़का भी लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये रेसिपी मैंने खास तौर पे बिगिनर्स के लिए डाली है, इसलिए मैं इस पर तड़का नहीं लगा रही हूँ। तड़के की रेसिपी मैं अगली रेसिपी में शेयर करूँगी। अगर आपको ये करी की जो रेसिपी है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।